हवाले करने जा रहा हूँ। जो भी अदा चाहे आए हैं तो माओ के स्तर पर मेरी उनसे गुजारिश है कि अपने के अंदर तशरीफ आए, और जो मंदिर में है उनसे भी मेरी गुजारिश है कि दो या तीन आदमी बाहर रहे और हजरत का कुरान आपने समाप्त करना है, और तीसरा है अल्लाह जो करीब करीब आ जाए ताकि सर्दी भी आपके दूर हो जाए, और हजरत का जब कुरान हम समाप्त करेंगे तो आपके अंदर बहुत बड़ा जोश और खून गर्म हो जाएगा। अल्लामा इकबाल से कहते हैं, दरवाजे हसर को खौफ जो सिखाऊंगा जन्नत में, दरवाजे हसर को खौफ जो सिखाऊंगा जन्नत में, वहां से आए थे आदम वो मेरे बाप का घर है, वहां से आए थे आदम जो मेरे बाप का घर है, उन अमाल के साथ जवाब क्या दिया, उन अमाल के साथ जन्नत का तलबगार है क्या, उन अमाल के साथ जन्नत का तलबगार है क्या, वहां से निकाले गए आदम चोरी से आए थे, आदम बहुत जाना चाहते हैं जन्नत के अंदर, वह उनके अमाल से अमाल के साथ जन्नत का तलबगार है क्या, वहां से निकाले गए आदम तेरी औकात क्या है। फरमाया कुछ दौलत के नाश करते हैं कुछ शोरत के नाश करते हैं, कुछ दौलत के नाश करते हैं कुछ शोरत के नाश करते हैं, जो खुद शुरू करते हैं ना तो ये कहते हैं कि बस हम जैसा दूसरे है ही नहीं, और जिसके पास दौलत है तब तो अल्लाह के प्यारे ऐसे भी हैं कि अल्लाह के नबी पर सब कुछ लौटा देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो दौलत जिनके पास होती है बहुत बड़ा नाश करते हैं, तो लेकिन शायर ने क्या खूब कहा है, कुछ दौलत से नाश करते हैं कुछ सूरत से नाश करते हैं, और जिनके हाथों में वह दामन मुस्तकाब उम्मति होने पर नाश करते हैं, जिनके हाथों में वो दामन मुस्तफा वो उन्नति होने पर नाश करते हैं, आप जितने भी हजरत जहां छोटे तशरीफ लाए हैं और आप में से मैं फखर से कहता हूँ, न तो जौलत पे नाश करता है न तो सूरत पे नाश करता है, अगर आज आपने ये नाश किया है आज आपने आका को दिखाया आज हम उन्नति होने पर नाश करते हैं, आज आपने ये बताया है कि हम आका की उन्नति है, और नदी का जलसा नदी का मिलाद बनाने के लिए स्वागत मदरसा कायदा में मुस्तफा के भवन के अंदर आप तशरीफ लाए हैं। हजरत वक्त की मुझे दामन ये है, मैं हजरत के आपके दरमियान ज्यादा देर हायल नहीं रहूंगा, सिर्फ तीन बादशाहों के साथ हजरत को आपके समाप्त के हवाले करने जा रहा हूँ। क्या मतलब के एक मतलब कह दीजिए सुभान अल्लाह, आप जो खामोश है ना, आप अगर सुभान अल्लाह माशाल्लाह नहीं कहेंगे तो ये यूपी के हजरात हैं तो ये बोल नहीं पाते। यूपी का जलसा आपने देखा है तो जब यूपी के अंदर कोई जलसा में बोलता है तो सारे लोगों के अंदर अपनी रूह के अंदर गर्माइश पैदा होती है। मैंने सुबह भी कहा था कि आप अगर एक मरतबा सुभान अल्लाह कहेंगे, यार उलमा इकराम का जमा हकीर है, मैं इनके आगे कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन बताया जाता है कि जो एक मरतबा सुभान अल्लाह कहता है तो उसके नाम अमाल में 90 मूर्तियों का सवाल लिख दिया जाता है। तो लिहाजा जो भी उलमा यहाँ आता है वो आका की मिलाद के लिए आता है, आका की मिलाद करता है, तो आप भी जब यहाँ से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की फिजाएं जब आप कहेंगे तो तात शान को जब आप यहाँ से जाए आज का पूरा दिन जो है ये नेकी का ढेर लेके यहाँ से चले जाएंगे। हजरत मैं हजरत के बारे में सिर्फ दो बादशाह के साथ आपकी समाजों के हवाले करने जा रहा हूँ। शहनशाह खिताबत चले आइए, शहनशाह खिताबत चले आइए, बादशाह बनाहत चले आइए, लेके बनजारे तैयबा के गुल की महक मुझके बाद खिताबत चले आइए, चले आइए, चले आइए। आइए हजरत का इस वक्त इस बार नारा तकदीर नारा रिसालत से करें, नारा तकदीर माशाल्लाह बहुत जोश आपके अंदर, नारा रिसालत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब यहाँ
आपके बाद जो प्रोग्राम पेश करेंगे तो इंशाल्लाह इसके बाद आप उनको सवाल दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक मुताला आपको दीन की भी दुनिया
दुनिया की भी और आखिरत की भी हमेशा कामयाबी के साथ। पेशे नबी होने के लिए ईमान कहाँ से लाओगे? ये हमारे हाफिज शब्बीर साहब और हाफिज दीन मोहम्मद साहब ने पहले ही बता दिया है, इस लाहे को आश्रा पर थोड़ा सा बोलता है, तो इसलिए मैं शुरू ही कर देता हूँ। वक्त की भी कमी है और ठंड भी ज्यादा है, मेरा ख्याल ये है कि अगर मैदान महशर की गर्मी की याद आ जाए तो ये ठंड कुछ नहीं है ना, है ना? क्योंकि सूरज सवा नेजे पर हो, जमीन लोहे की हो, बताओ क्या हाल होगा? जम्मू कश्मीर की जो सर्दी है पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, है ना? हमारे यहाँ की जो गर्मी है पूरे हिंदुस्तान में, हमारे यहाँ की सर्दी तो यूपी में मशहूर है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो गर्मी है केरला की मशहूर है, केरला की गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा मशहूर, थोड़ी देर में गर्मी है थोड़ी देर में सर्दी हो जाती है। बहरहाल जम्मू कश्मीर की सर्दी बहुत मशहूर है, मगर जम्मू कश्मीर में जिस वक्त मई जून का महीना आता है उस वक्त जब गर्मी पड़ती है तो आप ही लोग कहते हैं कि रोड पे चलने लायक का नहीं, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा कार चू गर्मी लगा ना, ऐसे बोलते हैं ना। एक बात बताओ, जम्मू कश्मीर की जो गर्मी है वो बर्दाश्त नहीं हो रही है? जम्मू कश्मीर की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, कल मैदान महशर में जमीन लोहे की होगी, जमीन तांबे की होगी, आसमान लोहे का होगा, बीच में सूरज होगा और सूरज सवाल लेने पर है, किताबों में आता है, खुदा की कसम सूरज अभी जो दिख रहा है सूरज अपनी पीठ की जानिब से दिख रहा है, सूरज जो है अपनी पीठ की जानिब से दिख रहा है, और जिस वक्त कयामत बर्पा होगी, कयामत का हशर बर्पा होगा, सूरज अपने सामने से दिखाई देगा, पीठ नहीं सामना दिखाई देगा। पीठ की गर्मी का आलम ये है तो सामने का आलम नहीं होगा। किताबों में आता है जैसे जैसे चाय उबालते हो ना, तुम तीन चाय बनाते हो, जैसे चाय उबालते हो ऐसे ही उबल रहा हो भेजा। उस गर्मी को और इस गर्मी कंपेयर करो, कंपेयर सोचो, ये सर्दी कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये सर्दी, ये सर्दी, ये सर्दी, ये सर्दी मान की सर्दी, ये सर्दी तो ऐसी सर्दी है कि इस सर्दी में एक जुमला दे रहा हूं, अगर समझ में आ जाए, अगर समझ में आ जाए तो दुआ कर देना, पूरी जिंदगी अपने घर के लिए। जुमला बहुत अच्छा है, हमारे जो उलमा है, पूरी जिंदगी अपने घर के लिए, आज का एक दो घंटा नबी के घर के लिए, आज का एक दो घंटा नबी के घर के लिए, इसमें चाहे बारिश हो बोले पड़े हटना नहीं है, बताओ कौन कौन हटने वाला, आज का बताओ। अच्छा दो दिन आपके हटने वाले, दो दिन आदमी हटने वाले, मेरे आपको जोश में हो जाता है, अल्लाह तबारक तआला आपको कहता है, मैं तुम्हें कह रहा था पेशे नबी होने के लिए ईमान कहाँ से लाओगे, लाओगे सूरत है गैरों जैसी पहचान कैसे, मैं इस लाए मुआशरा पे मुआशरा रोने लगा हूँ, मगर ये शेर की बात, मैं थोड़ी देर दरूद सलाम पढ़ूंगा फिर मैं देखूंगा कितना करवा में हम गर्मी है। पेशे नबी होने के लिए ईमान कहाँ से लाओगे, सूरत है गैरों जैसी पहचान कहाँ से लाओगे, आपके बच्चे जब पढ़ते हैं अंग्रेजी स्कूलों में, आपके बच्चे जब पढ़ते हैं अंग्रेजी स्कूलों में, फिर तो बताओ घर में तुम कुरान कहाँ से लाओगे,
इनको बताओ रब तुम कुरान कहाँ से ला गई, ये जरूरी है दुनिया दुनिया में जो तालीम है ये हासिल करना जरूरी है, मगर कुरान का जो तालीम है ये हासिल करना है ना, ये हासिल करना फर्ज है। आइए गुस्तान करने से पहले एक बात होते बात पढ़ते हैं कश्मीरी अंदाज में हासिल करने का, आइए मेरे अंदाज में भी आप मेरी बात पढ़ते बात Ya Nabi, Ya Nabi, Ya Nabi, Salam Alaika, Ya Rasul Salam Alaika, Ya Habib Salam Alaika, Salawatullah. ये देख रहे हैं इतना मोटा दादा सा आदमी है, ये आया कहाँ से, आया कहाँ से है ये मत देखो, आया क्या करने के लिए है ये देखिए, कहाँ से आया इसको क्या करने के लिए आया है ये देखो, और जो मैं काम करने जा रहा हूँ और जो करवा रहा हूँ एक ऐसा काम है, एक ऐसा काम है ये सिर्फ हम और आप नहीं करते, ये सिर्फ हम और आप नहीं करते हैं, अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है कि इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु यसल्लून अलैन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लम। बेशक एक बात बताऊं, थोड़ी देर आया तो चुपचाप चल गया, नहीं तो यही तो उठ के दो तीन कमा सकती हूँ, कमा सकती हूँ नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा सुन रहे आपको, ये बच्चे हैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं कोई बात नहीं है, बच्चे भी बहुत अच्छे हमारे, अल्लाह ताला इनके इल्म में उम्र में तरक्की अता फरमाए। मैं ये कह रहा था कि ये जो अमल है ना, ये जो अमल है, देखो यार बच्चों की तरह मत देखो, मैं इधर देखो सबसे ज्यादा खूबसूरत में हूँ, सबसे ज्यादा खूबसूरत अगर कोई है यहाँ पे तो वो मैं हूँ, वो भले ही काला सही, वो भले ही मोटा सही, मगर हजरत बिलाल आशिक रसूल के है ना, मगर उनसे खूबसूरत कोई है, तो इस वक्त मैं अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहा हूँ, मेरे बराबर कोई खूबसूरत होगा कोई भी नहीं है, इसलिए मेरे हाल मैं जो अमल कर रहा हूँ वो करवा रहा हूँ इस वक्त दरूदो सलाम पढ़ने का, ये दरूदो सलाम के लिए अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, ऐ मोमिनो बेशक मैं भी दरूद पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते भी दरूद पढ़ते हैं, मैं भी दरूद शरीफ पढ़ता हूँ, दरूद सलाम पढ़ता हूँ, और मेरे फरिश्ते भी दरूद भेजते हैं, और ऐ ईमान वालों तुम भी दरूद सलाम खूब भेजो, है ना, ये बात तो मैं फलाने पास में जो आयत है उसका तर्जुमा मैं अपने अंदाज में बता रहा हूँ, आपके अंदाज में समझ समझने के लिए मिसाल दे करके एक बात बताओ, अल्लाह तुम्हारे दुकाना इरशाद फरमाता वाकी मुसलात नमाज कायम करो, हमने कहा फर्ज है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वाकी वाकी ज़कात ज़कात अदा करो, हमने कहा फर्ज है, ठीक नमाज पढ़ना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है, अल्लाह का हुक्म हुआ ज़कात है तो हज भी करो, हज करना